नगरी के शहर प्रयाग राज के बेसिक शिक्षा निदेशालय में 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण के नियमों के उल्लंघन को लेकर दिव्यांग अभ्यर्थी पिछले 8 दिन से धरने पर बैठे हैं, जहां सरकार के आह्वान पर विकलांग लोग को दिव्यांग के नाम से पुकारा जाए, पर इन दिव्यांगों की शिक्षा निदेशालय में ना इनकी कोई अधिकारी सुन रहा है, ना ही सरकार सुन रही है और कड़कड़ाती ठंड में यह 8 दिन से धरने पर बैठे है। धरने पर बैठे इन दिव्यांग अभ्यर्थियों की मांग है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा भर्ती के 5 दिसंबर 2018 को जारी शासनादेश के तहत जो भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुई और उसका परीक्षा तो फल 12 मई 2020 को जारी किया गया था, उसमें विभाग द्वारा दिव्यांग आरक्षण आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का पालन नहीं किया गया है, उसका पालन किया जाए और बेसिक शिक्षक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का पालन करते हुए नियमानुसार 4% आरक्षण दिया जाए। आइए दिखाते हैं प्रियंका राज से खास रिपोर्ट। सर, हम आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 को 69,000 शिक्षक भर्ती में फॉलो कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी प्रमुख मांगे हैं कि आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 है उसके तहत हम लोगों को 4% का विशेष आरक्षण मिलना चाहिए, साथ में जो बैकलॉग की 1350 सीटें पिछली भर्तियों की बच रहे हैं उसको 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल करना चाहिए, और जो हियरिंग और विजुअल कैंडिडेट्स की बची हुई सीटें हैं उसको भी चलन क्रिया बाधित अभ्यर्थियों से भरा जाए। राघवेंद्र सिंह, फतेहपुर से। वो अब तक हमने 6 दिन में क्लियर कर दी है, मांग जायज है, ये भी सचिव साहब को क्लियर हो गया है, उन्होंने एक लेटर जारी किया था, मगर उस पर क्या एक्शन हुआ है वो अभी कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। हमारा जो केस भी चल रहा है उसमें एजी साहब नहीं आ रहे हैं और हमें फंडामेंटल जो भी क्लियर होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या है, क्यों डिले हो रहा है, हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, हम सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो भी एक्शन हो तुरंत हो, फाइनल हो। धन्यवाद। क्या नाम है? रिजवान, सुल्तानपुर से।